दोस्तों वीवो का बी सेवेंटीन ब्रो फोन 20 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीवो का पुराना फ़ोन वीवो बी फिफ्टीन ब्रो और वीवो बी सेवेंटीन ब्रो फोन का बारे में। ये दोनों फ़ोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। ये दोनों फ़ोन में क्या डिफरेंस है और ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर होगा और क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है वीवो बी सेवेंटीन ब्रो फोन में। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ये दोनों फोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स। मेरे पास यहां पे फोन नहीं है, मैं खाली ओनली स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीवो बी फिफ्टीन ब्रो और वीवो बी सेवेंटीन ब्रो फोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन देख लेते हैं। ये दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर होगा और क्या डिफरेंस है ये दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहां पे डिस्प्ले लेयर से शुरू करते हैं। वीवो बी फिफ्टीन ब्रो फोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.39 इंचिस का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और इसमें एक्सपर्ट इशू दिया है 19.59 एक्सपर्ट इशू का साथ में आता है और इसमें गरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है और इसमें नॉचूज कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है इसलिए नॉचूज नहीं दिया है। और यहाँ पर बात करें तो वीवो बी सेवेंटीन ब्रो फोन इसमें डिस्प्ले साइज दिया जाएगा 6.59 इंचिस का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा और इसका एक्सपर्ट इशू का बात करें तो 21.9 एक्सपर्ट इशू का साथ में आएगा और इसमें भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा और इसमें भी नॉच कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें भी डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया तो डिस्प्ले में थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा मिल जाता है वीवो बी सेवेंटीन ब्रो फोन में। और ये दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो ये दोनों फोन में कैमरा काफ़ी बढ़िया दिया गया है। वीवो बी फिफ्टीन ब्रो फोन में त्रिफोर रियर कैमरा दिया गया है जो प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर का साथ में दिया गया और ये सोनी का सेंसर यूज किया गया है। सोनी IMX586 सेंसर दिया गया है जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर का साथ में अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है। जो टाट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर का साथ में डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट मिल जाता है। LED फ्लैश भी दिया गया रियर में। और यहाँ पे बात करें तो वीवो बी सेवेंटीन ब्रो फोन तो इसमें क्वेट का रियर कैमरा दिया गया, 4 कैमरा दिया गया रियर में। जो प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर का साथ में दिया गया और इसमें भी सेम सोनी का सेंसर यूज किया गया है। सोनी IMX586 सेंसर दिया गया है जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर का साथ में अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है। जो टाट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर का साथ में डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। जो फोर्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर का साथ में माइक्रो लेंस दिया जाएगा या फिर मोनो लेंस होगा, ये लेंस अभी तक नाम कंफर्म नहीं हुआ है इसका, तो ये कौन सा नाम पे आएगा जो 4 नंबर का सेंसर होगा। और इसमें भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाएगा और LED फ्लैश भी दिया गया रियर में। और यहाँ पे बात करें तो ये दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा का, तो ये दोनों फ़ोन में सेल्फी कैमरा भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। वीवो बी फिफ्टीन ब्रो फोन में सेल्फी कैमरा दिया गया 32 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर का साथ में पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है और इसमें LED फ्लैश नहीं मिलता। और यहाँ पे बात करें तो वीवो बी सेवेंटीन ब्रो फोन इसमें डुअल सेल्फी कैमरा दिया गया और ये वर्ल्ड का सबसे पहला फ़ोन है जो डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा का साथ में आता है। जो प्राइमरी सेंसर है 32 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर का साथ में एक दिया गया और जो दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर का साथ में डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया। तो इसमें 2 सेंसर देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा में बी सेवेंटीन ब्रो फोन में। और इसमें भी LED फ्लैश नहीं दिया सेल्फी कैमरा में, दोनों फ़ोन में डिस्प्ले फ्लैश मिल जाता है। और ये दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस का बात करें तो ये दोनों फ़ोन में परफॉर्मेंस सेम होगा, दोनों फ़ोन में सेम प्रोसेसर दिया गया है। वीवो बी फिफ्टीन ब्रो फोन में प्रोसेसर दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है और इसका क्लॉक स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर चलता है। और इसका जीपीयू का बात करें तो एड्रेनो 612 जीपीयू दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो वीवो बी सेवेंटीन ब्रो फोन तो इसमें भी प्रोसेसर सेम दिया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है और इसका क्लॉक स्पीड होगा 2.0 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर चलेगा और इसमें भी एड्रेनो 612 जीपीयू दिया जाएगा। और ये प्रोसेसर 11 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 11 नैनोमीटर पर आधारित है। और ये दोनों फ़ोन का एंड्रॉयड का बात करें तो ये दोनों फ़ोन में एंड्रॉयड 9.0 पाई देखने को मिल जाएगा दिया जाएगा। और ये दोनों फ़ोन में यूज़र इंटरफेस दिया जाएगा फ़ोन टच 9.0 दिया जाएगा। और ये दोनों फ़ोन का वेरियंट का बात करें तो
वीवो बी फिफ्टीन प्रो फोन में दो वेरिएंट आता है। ये फोन एक आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में, और एक आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में, और इसमें 256GB तक डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट मिल जाता है। 256GB तक मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा लगा सकते हो। और यहाँ पे बात करें तो वीवो बी सेवेंटीन प्रो फोन, तो इसमें भी दो वेरिएंट आएगा या फिर तीन वेरिएंट आ सकता है। 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज एक वेरिएंट आएगा, और एक आएगा 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, और एक आ सकता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में। और इसमें भी 256GB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हो, डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट मिल जाता है। और ये दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो वीवो बी फिफ्टीन प्रो फोन में बैटरी दिया गया है 3700mAh का बैटरी दिया गया है। और इसका फास्ट चार्जर का बात करें तो 18 वाट का वीवो फास्ट चार्जर दिया गया है, या आउट ऑफ द बक्स देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो वीवो बी 17 प्रो फोन, तो इसमें बैटरी बढ़िया दिया गया है, 4100mAh का बैटरी दिया गया है। और इसका फास्ट चार्जिंग के बारे में अभी तक पता नहीं है कौन सा फास्ट चार्जर दिया जाएगा और कितना वाट का होगा। और ये दोनों फ़ोन का USB पोर्ट का बात करें तो वीवो बी फिफ्टीन प्रो फोन में माइक्रो USB 2.0 दिया गया, माइक्रो USB मिलता है इसमें। और यहाँ पे बात करें तो वीवो बी 17 प्रो फोन, तो इसमें 2.0 USB टाइप सी मिलता है, और इसमें रिवर्स भी मिल जाता है, रिवर्स चार्ज भी कर सकते हैं। और ये दोनों फ़ोन में इन डिस्प्लेयर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, और ये दोनों फ़ोन में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है। और ये दोनों फ़ोन में 4G डुअल वोल्टेज मिल जाता है, दो जियो सिम एक साथ में यूज़ कर सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और ये दोनों फ़ोन में डुअल 4G वोल्टेज मिल जाता है, और ये दोनों फ़ोन में वाईफाई भी मिल जाता है, 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है। और ये दोनों फ़ोन का अवेलेबिलिटी का बात करें तो वीवो बी 15 प्रो फोन अभी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर, ये जाके परचेस कर सकते हो, ये पहले ही लॉन्च हो गया। और यहाँ पे बात करें तो वीवो बी 17 प्रो फोन, तो ये 20 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में ऑफिशियली, तो 20 सितंबर के बाद में ये अवेलेबल होगा। ये अवेलेबल डेट तो अभी तक आया नहीं है, ये तो लॉन्च डेट को ही पता चलेगा कब से ये अवेलेबल होगा मार्केट पर। ये 27 को ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। और ये दोनों फ़ोन का प्राइस का बात करें तो वीवो बी 15 प्रो फोन का जो बेस्ट वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस है 23,990 रुपीज़। और इसका जो हायर वेरिएंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस है 26,990 रुपीज़। और यहाँ पे बात करें तो वीवो बी 17 प्रो फोन, तो इसका प्राइस अभी भी कंफर्म नहीं है, ये तो फ़ोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ इसलिए ये इसका प्राइस कंफर्म नहीं है, तो मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता सकता हूँ, हो सकता है इस प्राइस में आ जाए। इसका स्टार्टिंग प्राइस होगा 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज का स्टार्टिंग प्राइस होगा 24,990 रुपीज़, या फिर हो सकता है इससे कम प्राइस में भी आ जाए। तो अब भी आप लोग देख सकते हो बहुत सारे कंपटीशन बढ़ गया है, हो सकता है कंपीटेट करने के लिए इसका प्राइस थोड़ा कम कर दे। और इसका जो हायर वेरिएंट होगा 27,990 रुपीज़ में आएगा, जो 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। यह दोनों फ़ोन का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा दिया गया, काफ़ी बढ़िया दिया गया, दोनों फ़ोन का ग्लासिक डिज़ाइन मिल जाता है। वीवो बी फिफ्टीन प्रो फोन में ग्लास बॉडी नहीं है, प्लास्टिक का बॉडी दिया गया है बैक साइड में, लेकिन ग्लासिक फिनिशिंग दिया गया। और वीवो बी 17 प्रो फोन में इसमें ग्लास दिया जाएगा बैक साइड में, ग्लास के साथ में आएगा, ओरिजिनल ग्लास दिया जाएगा, ये लीक्स का थ्रू पता चल रहा है, ये कन्फर्म नहीं है। तो दोस्तों ये था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन वीवो बी 15 प्रो और वीवो बी 17 प्रो फोन का बारे में। दोस्तों आपको ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर लगा और कौन सा फ़ोन आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, कौन सा फ़ोन के लिए आप वेट कर रहे हो और कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना कि आप वीवो बी 15 प्रो फोन परचेस कर रहे हो या फिर आप वेट कर रहे हो वीवो बी 17 प्रो फोन के लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। और दूसरा किसी भी फ़ोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो बस दोस्तों यह था कुछ जानकारी ये दोनों फोन के बारे में। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए, और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइट में जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहां पे खत्म करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।